हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिन टेक बेट चैनल। दोस्तों 15,000 बजट के अंदर अगर आप एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 5G स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीस। दोस्तों इस वीडियो में हम सभी फोन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आपके यूजेस के हिसाब से आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट है वो आप चूज कर सकते हैं। सो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 5th पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी 12 5G। फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक 6.79 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर इसमें आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिल जाता है, जिसका एंड्रॉइड स्कोर आपको 4,15,000 के करीब मिल जाएगा। बैटरी इसमें आपको 5000 mAh मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको एक 18W का फास्ट चार्ज भी मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे आपको दो कैमरा मिल जाता है, एक 50MP का कैमरा और एक AI कैमरा, एंड फ्रंट में आपको एक 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। अदर फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको IP52 का रेटिंग मिल जाएगा एंड साथ में आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट भी मिल जाएगा। दोस्तों इसमें आपको 3 वेरिएंट मिलता है, एक 4GB 128GB स्टोरेज के साथ एंड 6GB 128GB स्टोरेज के साथ एंड 8GB 256GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 6GB नहीं तो 8GB रैम के साथ जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपका फोन आपको स्लो नहीं लगेगा। दोस्तों हमारे लिस्ट में से नंबर 4th पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 11X 5G। दोस्तों इसमें आपको एक 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर इसमें आपको Dimensity 6100 प्लस मिल जाता है, जिसका एंटीटी स्कोर आपको 4,15,000 के करीब मिल जाएगा। दोस्तों बैटरी इसमें आपको 5000 mAh मिल जाता है और इसके साथ साथ इसमें आपको एक 33W का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे आपको दो कैमरा मिल जाता है, एक 64MP का मेन कैमरा एंड 2MP का डेप्थ कैमरा, और फ्रंट में आपको एक 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। दोस्तों इसमें भी आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है, बट इसमें आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलता। वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक 6GB 128GB स्टोरेज के साथ और एक 8GB 128GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 3rd पे आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 30 5G। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर इसमें आपको Dimensity 6080 मिल जाता है, जिसका एंड्रॉइड स्कोर आपको 4,25,000 के करीब मिल जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेसर पिछले दो फोन से थोड़े बेटर है। दोस्तों बैटरी इसमें आपको 5000 mAh मिल जाता है और इसके साथ साथ आपको इसमें एक 45W का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लिस्ट में सबसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग आपको इसी फोन में मिलेगा। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे आपको 3 कैमरा मिलता है, एक 108MP का मेन कैमरा, दूसरा 2MP का डेप्थ कैमरा और तीसरा एक AI कैमरा, और फ्रंट में आपको एक 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अदर फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है और इसमें भी आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, बट इसमें भी आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलता। और डिजाइन के हिसाब से ये फोन सबसे अच्छे डिजाइन के साथ आता है। वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक 4GB 128GB स्टोरेज के साथ और है एक 8GB 250GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप 8GB रैम के साथ जाएं, ये आपके लिए एक फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन है। दोस्तों हमारे लिस्ट में नंबर 2nd पे आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग F34 5G। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको एक 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों आज का लिस्ट में से सबसे अच्छा डिस्प्ले आपको इसी फोन में मिलेगा। प्रोसेसर इसमें आपको Exynos 1280 मिल जाता है, जिसका एंड्रॉइड स्कोर आपको 4,60,000 के करीब मिल जाएगा। ये प्रोसेसर लास्ट 3 फोन से थोड़े बेटर है। बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6000 mAh का बैटरी मिल जाएगा और इसके साथ साथ इसमें आपको 25W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई चार्जर नहीं मिलता, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे आपको 3 कैमरा मिल जाता है, एक 50MP का मेन कैमरा, एक 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो कैमरा, बट इसका मेन कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आपका फोटो काफी अच्छा आता है। अदर फीचर के बारे में बात करें तो इसमें आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है, बट इसमें आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलता और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर भी नहीं मिलता है। दोस्तों इसका बेस्ट बात ये है कि इसमें आपको 4 साल का मेजर अपडेट मिलता है और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, और आज का सभी फोन में से इसी में आपको सबसे ज्यादा अपडेट पॉलिसी मिलता है, तो आप इस फोन को काफी लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट मिलता है, एक 6GB 128GB स्टोरेज के साथ और एक 8GB 128GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों आज का लिस्ट में से नंबर 1st पे आता है मोटो की तरफ से मोटो G54 5G। दोस्तों ये एक ऑलराउंडर फोन है, क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे अच्छा फीचर आपको इसी फोन में मिलता है।
डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। प्रोसेसर इसमें आपको डायमेंसिटी 7020 मिल जाता है, जिसका एंटोटो स्कोर आपको 5 लाख के ऊपर मिल जाएगा, जो इस सेगमेंट में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। बैटरी इसमें आपको 6000 mAh मिल जाता है और इसके साथ साथ इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करें तो पीछे आपको दो कैमरा मिल जाता है, एक 50 MP का मेन कैमरा और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा। और इसके मेन कैमरा में आपको OIS का भी सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे आपका फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी काफी अच्छा हो जाता है। और फ्रंट में आपको एक 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अदर फीचर के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट मिल जाता है, इसमें आपको IP52 रेटिंग भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाएगा। दोस्तों वेरिएंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, एक 8GB 120GB स्टोरेज के साथ और एक 12GB 250GB स्टोरेज के साथ। दोस्तों इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा RAM आपको इसी फोन में मिलेगा, वो भी ₹15,000। दोस्तों ये थे हमारे लिस्ट का टॉप 5 फोन ₹15,000। अब चलिए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा फोन सबसे बेहतर रहेगा। दोस्तों अगर आप एक ऑलराउंडर फोन ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको एक अच्छा कैमरा, अच्छा प्रोसेसर और सबसे ज्यादा रैम चाहिए, तो आप मोटो G54 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो आप ऑब्वियसली सैमसंग F34 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको OIS के साथ एक अच्छा इमेज प्रोसेसिंग भी मिलेगा। और सैमसंग की बेस्ट बात ये है कि इसमें आपको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, इसीलिए आप ये फोन को काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तब भी आप सैमसंग या फिर मोटो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में आपको 6000 mAh बैटरी मिल जाएगा और मोटो में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी मिल जाएगा। और अगर आपको मोटो या फिर सैमसंग का फोन अच्छा नहीं लगता तो आप रेडमी या फिर रियलमी या फिर इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह का कंटेंट अगर आपको पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।